Okay, we've got some breaking news now. Important reaction on the killing of Tigris Avni, with Maharashtra's forest minister now speaking to Mirror Now. He's refuted Union Minister Meneka Gandhi's allegations that Tigris Avni was shot without any effort to try and capture her alive. Meneka Gandhi had claimed that she had received text messages right after Tigris was killed from the forest conservator in Maharashtra, claiming that the hunters had killed her in a panic shot. Take a listen to what Sudhir Mungantiwar, the Maharashtra Forest Minister, told my colleague Amita Balachandra. देखो ऐसा है, उन्होंने पूरा SMS पढ़ा नहीं. पहली बात तो BCCF को मनेका जी ने बहुत गंदा ऐसा SMS भेजा. उसके जवाब में पूरी स्टोरी तो वो लिख नहीं सकते थे. उन्होंने ये SMS के माध्यम से कहा कि जब हमला हुआ तब वो तो डरेंगे ही, और डर के मारे किया, उसमें क्या गलत है? यानी मनेका जी ने, एक इतनी बड़ी मंत्री ने BCCF को ऐसे शब्दों से क्या SMS भेजा कि जो मैं सार्वजनिक रूप से भी नहीं कर सकता हूं. ऐसा SMS भेजा, कोई भी बात की सत्यता जानना ये तो अनुचित नहीं होगा ना. मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि राज्य स्तर के लोगों ने, जैसे मैंने तो इसके पहले ही इंफॉर्मेशन मांगी, जांच करके मुझे रिपोर्ट मांगा है, मगर कल कोई कहेगा वो तो आपके अधिकारी है, वो तो रिपोर्ट आपको जैसा चाहिए वैसा देंगे. मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भारत सरकार ने 5 जजों की नियुक्ति करनी चाहिए, उसमें क्या अड़चन है? पेटिशनर्स का ये भी कहना है कि इंडस्ट्रीज को वहां पे लेके आएंगे आप, इसीलिए ऐसे सब किया है, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि झूठ बोलने की एक मर्यादा होती है. इतना झूठ, वो शेरनी 60 किलोमीटर दूर है, जहां इंडस्ट्री है वो 60 किलोमीटर दूर है, उसका क्या संबंध? कोई बताए ना. अब मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि किसी को भी कोई भी पनिशमेंट हमारे अधिकारियों हम लेने को तैयार है? ऐसी गंदी बात है, 13 लोगों की मौत होने के बाद आपको ऐसी राजनीति सूझती है? कि बहुत सारी बार पॉलिटिशियन से फोन आते हैं, इसीलिए ये सब करना पड़ता है, आपका क्या कहना? ऐसा तो